हेलो एवरीवन, दिस इज़ पी शिवा और मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत स्टार फिल्म छिछोरे मूवी के बारे में। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कि आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। देखो यार, आपको ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी हॉटस्टार के ऊपर इन हिंदी लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होगी। नाउ आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? आई नो कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये मूवी ऑलरेडी देख रखी है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो यू नो कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी हमारे लिए, जिसे हम कुछ छोटे मोटी प्रॉब्लम्स या छोटी मोटी चीज़ों के चलते खत्म कर देते हैं बिना सोचे समझे। एंड सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग, चाहे वो बात आपके करियर की हो या फिर आपके रिलेशनशिप स्टेटस या एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम हो। देखो यार, आपकी ज़िंदगी ना बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास। यू हैव सो मैनी चॉइसेस, तो आप उनमें से किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हो। क्या पता आपकी लाइफ में कुछ और लिखा हो, आपको वो बनना चाहिए, आप किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो। शायद ये भी तो हो सकता है ना, भगवान की मर्ज़ी आपकी लाइफ के अंदर आपको बनाने की कुछ और लिखी हो। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, शायद तक आप बन जाओगे, लेकिन सुसाइड करना तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। आप थक हार के बस सुसाइड करके बैठ गए, कोई मतलब नहीं है उससे भैया। आपको अपनी लाइफ को जीना है, वो चीज़ मैटर करती है। और पता है गाइस, आपको ये मूवी का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का, सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग ये वाला। और जब इनकी मौत हुई यानी कि इनकी डेथ हुई, तो जब उनकी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर हुई थी तो लोगों ने इंटरनेट के ऊपर उनकी फ़ोटो के नीचे कमेंट बड़ा करा कि यार सुशांत सिंह राजपूत ने भैया कहते हैं अपनी मूवी के अंदर तो ऐसे बताया था कि सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग और उन्होंने खुद ने ऐसा कुछ कर लिया। देखो गाइज यार, उन लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपको नहीं पता कि पर्दे के सामने मतलब कि आपकी स्क्रीन पर है क्या दिखाया जाता है और पर्दे के पीछे उनकी लाइफ कैसी होती है। यू डोंट नो एनीथिंग ना, तो आप किसी के बारे में कुछ भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो यार। वही मूवी आपको बताने का काम करती है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा लाइफ में जीतोगे या फिर हमेशा फर्स्ट आओगे, क्योंकि यार आपने जो उस चीज़ को अपने गोल को जीतने के लिए जितनी मेहनत करी, आपने जितना ज़्यादा एफर्ट डाला और जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करा ना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। वही चीज़ आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पावर देती है, आपको आगे से स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो वो इम्पॉर्टेंट रखता है। ये चीज़ आपको इस मूवी में देखकर के अच्छी तरीके से समझ आती है। वहीं पर दोस्तों, सेकेंड थिंग जो आपको इस मूवी में देखकर के पता चलती है कि इट विल गिव्स यू अ लाइफ लेसन ऑन फ्रेंडशिप, कि इट विल टेल यू हाउ फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज दे आर द वन हु टीचेज यू सो मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ। पता है आपको, ये लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाने का काम करते हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होती है, जो चीज़ शायद तक आप अपनी फैमिली मेम्बर्स या किसी अनजान के साथ में भी बैठ कर के नहीं चीज़ें सीख पाओगे, वो आपको आपके फ्रेंड सिखाते हैं। क्योंकि लाइफ के ना बहुत बड़े लेसन्स होते हैं जो लाइफ के आखिरी दम तक आपके काम आते हैं, और आपके एक फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपकी लाइफ में एंड तक आपके साथ खड़े रहते हैं। आई नो कुछ लोगों के फ्रेंड्स होते हैं जो ज़्यादा नहीं आपके साथ बन पाते हैं, क्योंकि उनका ना सफ़र एक टाइम तक ही होता है, शायद तक आगे तक आपको आगे अपनी लाइफ खुद से तय करनी होगी, शायद इसलिए वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, और क्योंकि वो आपको ऑलरेडी इतना स्ट्रांग बना चुके हैं कि आपको आगे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है शायद, जिनके फ्रेंड्स नहीं होते होंगे। दूसरी चीज़, हम लोग एज अ चाइल्ड पता है कभी कभार ना बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं बिना ये जाने पहचाने कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हम लोग कुछ भी अपने आप से मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे को सोच रहे हैं कि हम तो लूज़र हैं भाई, हम कुछ चीज़ में फेल हो गए तो वो लोगों को लगेगा कि यार ये तो मेरा बच्चा किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। आपको याद है मूवी के अंदर एक डायलॉग आता है जब श्रद्धा कपूर के पास उनका बेटा खाना खाने के लिए जाता है, स्टार्टिंग में सीन आता है जब वो भिंडी की सब्जी वाला, याद है? तो उसमें श्रद्धा कपूर से उसका बेटा, श्रद्धा कपूर एज अ माया इन मूवी, जब श्रद्धा कपूर से जब पूछता है वो उनका बेटा कि यार मम्मी मैं ना क्या मैं पास हो पाऊँगा, तो पता है श्रद्धा कपूर क्या कहती है, तू फेल भी हो गया ना तो भी कोई बात नहीं है, फिर से ट्राई कर लेना। तो दैट्स द पॉइंट, दैट्स द रीज़न कि आपको बात करनी ज़रूरी है। एक बार आप बात करोगे तो शायद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। अगर आप अपने आप से कुछ भी सोच लोगे तो यार इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि आप अपने आप से कुछ भी दिमाग में लगा लोगे, एक बार बात करके देखो शायद तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला है। तो गाइस, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम द मूवी, जो मुझे देख के लगा कि यार हाँ मुझे ये मूवीज़ के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। आपको क्या मिली यार देखने को, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ राइट इट डाउन योर थॉट्स एंड योर कमेंट्स, जो भी आपके मन में चल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बिल्कुल मुफ्त है, आप कर सकते हो, फ्री का है। और वहीं पर यार वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट भी कर देना, एंड थैंक्स। और हाँ, अपना ख्याल भी रखिएगा, बाय।